तो भाई गाड़ी की सर्विस करा के आ गया घर। मेरी भी सर्विस हो चुकी है और लेट काफ़ी हो चुका है। थोड़ा सा जल्दी करके पहुंचते हैं वहां से जल्दी। तो चलिए गाड़ी में आ चुके हैं और पहले तो डीजल डलवाएंगे, इसके बाद यहाँ से चलेंगे क्योंकि डीजल काफ़ी कम है। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं पहले टर्न। चलिए तो फिर निकलते हैं यहाँ से। पहले यहाँ से हमको मांडवी से जाना पड़ेगा क्योंकि जो सिरवा है वहाँ पे हमको डीजल डलवाना है वहाँ से, क्योंकि और किसी पंप से मैं डलवाना प्रेफर नहीं करता। और ये हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। यहाँ पे 2800 का डलवाया, 30 लीटर के करीब आया है, 92 रुपीज़ रेट अभी चल रहा है। तो यहाँ पे फुल होने पे बस एक नहीं दो पॉइंट शायद बाकी हैं, एक या दो पॉइंट बाकी है, बाकी तो 518 किलोमीटर का दिखा रहा है मीटर। अब यहाँ से मांडवी से पहले एक टर्न आएगा, वहाँ से लेंगे हम घटसीसा की और टर्न। अभी टाइम हो रहा है 5:53 और अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट। और ये हर बार की तरह फिर से इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है कि ट्रैफिक जाम, और इन गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। देखिए कितने आराम से जा रही है, ये देख लीजिए, ख़त्म ही नहीं हो रही, बाल बाल बची, वरना भी एक्सीडेंट हो जाता इस गाड़ी की टक्कर। भाई हटने का तो नाम ही नहीं ले रही कोई। रोड का और पीछे का नज़ारा देख के ये लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ा एक दो मिनट बाहर निकल लूँ। ठीक है, फिर मैं बाहर निकल आया, ऐसी ताज़ी हवा और शाम का समय है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, प्लस में बहुत ही अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे रोड की साइड में खड़े हैं और गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी रख दी है रोड के पास में। चलिए फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली घटसीसा पहुँच चुके हैं और यहीं कहीं पे बेकरी है, वहाँ से केक लेने जाना है। पहले ढूंढनी पड़ेगी, मैंने पहले कभी यहाँ पे देखी नहीं है, बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन कहीं पे दिखी नहीं है मेरे को, अभी ढूंढना पड़ेगा। एड्रेस तो यहीं का मिला था, फाइनली मिल गई बेकरी। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज भी हैं। पार्सल तो ले लिया है, चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। तो अभी सीधा सा रास्ता है, यहाँ से चलना है सामने और पास ही में घर है। और यहाँ आगे थोड़ा सा कच्चा रास्ता, गाड़ी नीचे लगे ना, इसकी देखभाल करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा। इस वाली गाड़ी में खास लगी तो नहीं, और ये चल पड़ी अपनी गाड़ी।
6:48 हो चुका है टाइम, और आगे रास्ता भी आप देख सकते हैं कितना ऊपर खाबड़ और ऊपर नीचे है। और फाइनली जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ पे हम पहुँच आए हैं। और ये हमारे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, मतलब हमारी गाड़ी के लिए। और ये पहुंच आए हैं हम घर पे, और ये देखिए इनका भी पेट यहाँ पे खड़ा है, हमारे पेट की तरह ही कोई आता है तो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है। और भाई बैक टू होम या बैक टू वर्क भी बोल सकते हैं। और अभी ये दो नए पेट घर पे आ चुके हैं, दो बिल्ली के बच्चे, मतलब कि एक तो बिल्कुल छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा, ये डर रहा है। और ये जो दिख रहा है वो हमारा वाला है, और ये रहे दो। और चलो इनको खाना देने चलते हैं, और ये पीछे दौड़े आ रहे हैं। ये दोनों कैसे अच्छे से खा रहे हैं, ये लो और खाओ। और ये इनको देख के आ रहा है इनको देखने कि ये सब क्या कर रहे हैं मेरे बिना, अकेले अकेले खा रहे हैं। इसको शायद ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से। और ये अभी भागेगा, देखिए कैसे भाग गया। और ये तीनों एक साथ खाना खा रहे हैं, इसका मत खा, चल भाग भाग भाग, छोड़ छोड़।